बल का जो मिराकल है, ये श्रील अच्छा प्रभुपाद की किताबों में आध्यात्मिक बल का मिराकल है। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं ना श्रीमद् भागवतम या ग्रंथों को, आप देखेंगे पता नहीं कहाँ से बहुत बल मिलता है आपको। एक तो पहली चीज, कोई अगर कुछ नेगेटिव बता रहा है, आप कहेंगे हाँ, चलो पता नहीं उन भक्त से गलती हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप अगर किताब नहीं पढ़े रहेंगे ना, तो आप बोलेंगे ऐसे किया उन्होंने, अब बताते हैं उनको। आपका अगर रिस्पॉन्स हमको चेंज करना है, तो हमको पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी, शास्त्र दंडवत प्रणाम। नमिता, हाँ प्रभु जी, हाँ थोड़ा सा प्रभु बोलिए। रीडिंग को लेके कंटिन्यूटी आती नहीं है। कभी 2 श्लोक पढ़ लिए, कभी 3 श्लोक पढ़ लिए। मतलब जैसा टाइम टाइम एक्सपेंडिंग, यानी अपने रुचि के हिसाब से उसको लेके अपने को 1 घंटा 2 घंटा रीड करना चाहिए, वैसा हो नहीं पा रहा है प्रभु जी। काफी कोशिश कर रहे हैं, 1 साल से हो गया। नहीं, मैं इसको करूंगा। चलो ठीक है, आज शाम से इसी चैनल पे आज 3 बजे से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? 3 बजे से 4 बजे तक, 3 to 4, ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं। आज मेरा वैसे 11:30 बजे एक्चुअली हमीरपुर में हमें जमीन का चल रहा है। यहाँ पे तो एक व्यक्ति हैं जो कि जमीन हमें दिखाना है आज, जो हमें मंदिर के लिए जमीन मिलने वाली है। तो बात चल रही है, अब देखते हैं क्या हम प्रयास कर रहे हैं। तो इससे मीटिंग है अभी हमारी, तो अगर वो 3 बजे तक खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली तो यही कोशिश करेंगे कि 3 बजे मैं आ जाऊं, और उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद बुक जो है शुरू करेंगे, है ना? तो अभी के लिए तो चैतन्य चरितामृत हम पढ़ेंगे, ठीक है? 3 बजे, ठीक है ना? आप लोग आ सकते हैं, थोड़ा कुछ जो है चैतन्य चरितामृत का करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को ये थोड़ा प्रॉब्लम भी है, पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, विजय प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप अगर ऑफिस में हैं या कहीं पे भी है ना, तो हाँ उसमें भी प्रभु जी, आपका वो 3 से 4 अगर थोड़ा लाइट रखेंगे, कहीं पे ऑफिस में रहते हैं तो कई भक्त है जो कि ऑफिस में भी कर लेते हैं, उसमें बस ये करना होता है कि आप वीडियो ऑडियो ऑफ कर लीजिए, या वीडियो वहां पे ऐसे किसी ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ थोड़ा ये लोग देख नहीं रहे आपको, और फिर अपना बुक लेके साथ में पढ़ सकते हैं। और मैं तो वैसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे ना, शेयर करता हूँ मैं, तो उसको देखते हुए पढ़ सकते हैं, है ना? नहीं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने का बहुत मिराकल है। आपका जो दिल खाली खाली रहता है ना व्यक्ति लोगों का, वो एकदम कोई चीज का बुरा ही नहीं लगे, ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। आप सोच रहे क्यों हो रहा है, कि प्रभुपाद की बुक पढ़ने की वजह से हो रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर आप मेरी पुस्तकों का वितरण करोगे तो हमेशा खुश रहोगे, और इस हमेशा इस्कॉन में खुश रहोगे, और अगर आप पुस्तकों को पढ़ोगे तो हमेशा इस्कॉन में रहोगे। अगर अरे आप पुस्तकों का वितरण करोगे तो इस्कॉन में खुश रहोगे, मतलब प्रचार करोगे तो खुश रहोगे, और अगर आप हमेशा इस्कॉन में रहना चाहते हैं तो पुस्तकों को पढ़िए। कोई भी प्रॉपर रोज पढ़ने वाला व्यक्ति ने आज तक इस्कॉन छोड़ा नहीं, ठीक है? तो इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं, और फिर अभी हम वो चर्चा अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है, उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जिन भक्तों की 16 माला हो गई है वो लोग कृपया हाथ उठाएं। जो लोग अभी नहीं करते 16 माला, जैसे कि ज्योति कतना माता जी और ईरा माता जी अभी नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं मिल करके बता दूंगा, है ना? शिवानी माता जी, ये सब लोग को मैं एक दिन मिल करके बता दूंगा। चंपा माता जी भी नहीं करते, वो चंपा बिरादर माता जी तो करते हैं, पर चंपा माता जी नहीं करते जो ये हमीरपुर से अभी जुड़े हुए, तो उनको मैं आपको मैं बता दूंगा, है ना? तो बाकी जो भक्तों ने 16 माला कर ली है वो भाग्यशाली भक्त हैं, चंपा बिरादर माता जी, आशा आर्या माता जी, लता मोरे माता जी, सुनील प्रभु जी, ऋतु माता जी, अनिता माता जी,
उत्तम बिरादर माता जी, चारू गोपी माता जी, सुशीला माता जी, किरण माता जी, अच्छा अमरीश गुप्ता, अमरीश गुप्ता के नाम से यार ये किरण, ये कौन है माता जी, अमरीश के नाम से आ रहे हैं। अमरीश जी आप अनम्यूट करोगे एक बार? हरे कृष्णा, प्रभु दंडवत प्रणाम, प्रभु विक्रम की बहन दिल्ली से। हरे अच्छा कृष्णा प्रभु जी किरण प्रभु प्रभु के, अच्छा अच्छा बहन उनके दिल्ली सिस्टर से, बोल रहे हैं आप, है ना? हाँ दिल्ली से, दिल्ली से प्रभु अच्छा जी, हाँ अच्छा क्या वृंदावन में नाम है आपका मेरी, माता जी? मेरा आशा गुप्ता है। हाँ, अच्छा, हाँ, मिले थे बहुत बढ़िया, वेलकम माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। ठीक कल किरण ने बताया तो प्रभु जी लगा लिया है। है, हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुनना ना, ये बहुत शक्तिशाली होता है। नहीं ठीक नहीं है, प्रभु जी, बाकी अपना डरना नहीं चाहिए अगर, है ना, रेगुलर सुनना चाहिए, है ना? जब मैं पूछता हूँ तो मेरे सामने क्या शर्म है, अगर मैं पूछता भी हूँ तो मेरे सामने शर्म नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं। है ना? देंगे नहीं तो आगे पता नहीं उड़ चल भी जाए पाएंगे। अगर किसी की माला नहीं होती। हाँ हाँ हरे ठीक है, तो हम इसको कृष्ण शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक वैष्णव भजन प्रतिदिन हम चर्चा कर रहे हैं, और इस श्रृंखला में हरी बोलबो आर मदन मोहन, नहीं, हमने हरी बोलो हरी बोलो हरी बोलो भाई रे, इस भजन के ऊपर चर्चा शुरू की। तो इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हरी बोलो हरी बोलो हरी बोलो भाई रे, हरी नामे आनिया छू गोरांग निताई रे, हरी नाम बिना जीवे अन्य धन नाई रे, हरी नामे शुद्ध हलो जगाई मधाई रे, मीठे माया बद्ध हुई जीवन कटाई रे, हम यामर बोले रे। तो यहां से चर्चा हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मीठे माया बद्ध होए, मीठा मतलब माया की ये साम्राज्य, ये माया के साम्राज्य मिथ्या साम्राज्य है, लेकिन हम इसमें मेरा पराया ये सब बोल करके फंस गए। आमी आमर बोले रे, मैं ऐसे करता हूं, मैं, या फिर मेरा है मेरा है, आमार 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 मेरा है, इसी मैं और मेरे के चक्कर में माया में फंस, मेरा परिवार, मेरा परिवार सुख से रहेगा जब मेरा बच्चा चॉकलेट खाएगा, नहीं कोई कैडबरी चॉकलेट हमें अच्छा लगेगा, ये मैं नहीं खा रहा हूं लेकिन वो खा रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है। इसको कहते हैं मैं और मेरा की वजह से व्यक्ति फंसा हुआ है, उसको खुद कुछ नहीं चाहिए तो भी सोचता है कि मेरे बेटे को मैं सेटल करना चाहता हूं, फिर वो उसमें इसी पारिवारिक उसमें लगा रहता है। कुछ लोगों को ये होता है कि परिवार के लिए कौन ज्यादा कर रहा है, तो वो कहते हैं एक बात है, अपने डब्लू भैया जो है गांव समाज के लिए खड़े रहते हैं, ये तो है इनका, गांव समाज के लिए खड़े तो रहते हैं कम से कम, मदद करने के लिए हमेशा रहते हैं, यही इनकी बहुत है। तो ये मैं और मेरा के लिए व्यक्ति, जैसे हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो जहां पर वो जन्म लिए थे वहां पे एक सैफई महोत्सव होता है, स्पेशल स्पेशल, और वो सैफई जगह को एकदम डेवलप कर दिया, मेरा गांव बाकी दूसरे का गांव इसलिए नहीं डेवलप करूंगा, वहां गंदे रहे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि माया से बद्ध होकर के जीवन कट जा रहा है, इतना सारा ड्यूटी इतना सारा है ये करना है ये करना,
वो कर। अब लेकिन मैं आपको बताऊं, आध्यात्मिक जीवन में इस तरह का बिजी होना ही सार्थकता है। जैसे कोई भौतिकतावादी व्यक्ति, एकदम गूढ़ भौतिकतावादी व्यक्ति है, सुबह 4 ही बजे उठ जाता है, एकदम भौतिकतावादी व्यक्ति ना, 4 बजे ही उठ जाता है, तुरंत जल्दी से मेहनत करता है कि पत्नी है, सब लोग मिल करके किसी तरह लंच वंच पैक करते हैं सुबह ही, और उसके बाद तुरंत ही ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं, वहां से 1-2 घंटे का ट्रैवल करके फिर जाते हैं ऑफिस, 7 बजे ही ऑफिस पहुंचना होता है, वहां पहुंच करके सब साफ सफाई करते हैं, चाबी खोलते हैं, सारा जो है मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद अपना सेटअप करते हैं, डेस्क सेटअप करते हैं, 8 बजे से लोग आने लगते हैं, हाँ सर ऐसे करिए, सर सर प्लीज सर ये करिए वो करिए, सारा काम दिन भर मेहनत करते, खाने का कई बार टाइम नहीं मिलता, फिर शाम तक खाते हैं, शाम को खा पाते हैं जो लंच रहता है, फिर उसके बाद फिर शाम को भी ऑफिस में फिर से चले जाते हैं, रात 11-12 बजे तक काम करते हैं, फिर 12 बजे आते हैं, सुबह 4 बजे फिर उठ जाते हैं। अगर ये आपके भौतिक जीवन में हो रहा है तो सावधान रहने की बात, लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन में इस तरह से हम बिजी हो गए तो यही तो एक साधु की परिभाषा है। प्रसंगम मजरम पातम नात्मनः कवियो विदो सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। वही इस संसार में जो अजर पास है और बढ़ता जाएगा अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन प्रसंगम मजरम पातम आत्मना कवियो विदो सैव साधु सु, लेकिन वही चीज अगर भक्तों के साथ या फिर आध्यात्मिक चीजों में हो जाए तो वही मोक्ष का मार्ग है। आशा बसे घुरे घुरे हर कथा जाई रे, आशार शेष नाई रे, कह रहे हैं कि हमेशा आशा रहती है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, और व्यक्ति सोचता रहता है कि ऐसे हो जाएगा, फिर वहां से मैं ऐसे पैसे इन्वेस्ट करूंगा, वहां पर ऐसे करूंगा, ये सब करके मैं सुखी जीवन हो जाएगा, लेकिन आशा की कोई सीमा नहीं है, जब वो प्राप्त हो जाएगा तो भी लोगों की दुर्गति होने वाली है, जो आपको प्राप्त करना है वो लोगों ने प्राप्त करके भी देखा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, नीचे माया बद्ध होए जीवन कटाई रे, माया से बद्ध होकर जीवन पूरा पूरा कट रहा है, माया में हम अपने को समझ रहे, बद्ध कौन लोग हैं जो अपने को समझ रहे, मैं हूं प्रधानमंत्री, तो वो क्या करते हैं, ऐसे करो वैसे करो, वो सोचते हैं कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पर ऋषि जी इसको कह रहे हैं, हरी बोले देओ भाई आचार मुखे चाई रे, निराशा तो सुख रे। हरि तो निराशा ही तो सुख है, अगर किसी से आशा करते हैं जिस किसी ये वो करे तो फिर प्रॉब्लम हो, वो अगर नहीं करेगा तो दुख दर्द हो, इसलिए आता ही परमम दुखम नैराश्यम ही परमम। तो एक बार एक गुरु शिष्य जा रहे थे, शिष्य ने देखा कि गुरु जी अरे मैं देख रहा हूं यहाँ पर इतना सस्ता सब कुछ मिल रहा है, इस गांव में इतना सस्ता मिल रहा है सब कुछ, टके एक टके का भाजी है, एक टके का खाजा है, इतना सस्ता। गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, एक टके का तो कहीं पे भी नहीं मिलता है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ तो प्रॉब्लम, ऐसा कैसे होगा, एक टके का। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा कि इस राज्य में हमें नहीं रुकना चाहिए, जो सब कुछ सस्ता दे रहा है जरूर कुछ प्रॉब्लम है, इस राज्य का कुछ दिन दिवालिया निकल जाएगा। तो ऐसा सच बात है, ऐसा हुआ, दिवालिया उनका निकला, और किसी ने बोला कि भाई कोई ऐसे व्यक्ति को किसको बुलाया जाए जो कि काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, तो ये शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं गुरु जी आप जाइए, मैं नहीं रुकता। उसी राज्य में शिष्य ने रुका, शिष्य रुके तो कुछ लोगों ने, राजा ने
पूछने के लिए कहा था कौन लोग हैं जो कि मेहनत नहीं करने वाले आजादी के लिए। तो कुछ और ऐसे ही स्टोरी थी, वो लोग गए और इस शिष्यों को पकड़ लिया और उनको सूली पे चढ़ा दिया। कुछ भी इनको ब्रेन तो था नहीं, वो राजा तो बेवकूफ, किसी को भी पकड़ के सूली पे चढ़ा रहे। तो टके शेर भाजी टके शेर खाजा अगर कहीं पे मिल रहा है जरूर फंसने वाला काम है। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नीचे माया बद्ध होए जीवन कटाई रे आशा वसे घुरे घुरे। तो ये लोग आशा हमें दे देते हैं, दुनिया वाले एक आशा दे देते हैं, हम उसी आशा में अपना पलते रहे। आशा वसे घुरे घुरे कौन कह रहा है आप ये मत सोचना, मैं कह रहा हूं, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आशा वसे घुरे घुरे हर के था जाई रे आशा रे सुनाई रे। तो आशा के वश में कहाँ जाए और तथा जाई रे। तो फिर क्या करे, आशा रे शेष सुनाई रे, कोई आशा मतलब एक्सपेक्टेशन की कोई सीमा नहीं। तो ये कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं हरी बोलो देव भाई आशार मुखे चाई रे निराशा तो सुख रे। निराशा में ही सुख है, तो किसी से हम आशा करते हैं तो दिक्कत होती। भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरी नाम गाई रे शुद्ध सत्व होये रे। तो ये शुद्ध सत्व है, क्या शुद्ध सत्व है, हरि नाम भगवान का कीर्तन या फिर स्पिरिचुअल चीजें जो है वो शुद्ध सत्व है। तो भोग और मोक्ष की कामना छोड़ करके हमको जो है हमको भोग और मोक्ष की वांछा छोड़ करके हरि नाम गाने से शुद्ध सत्व हमको, जब भी हम आध्यात्मिक चीजों को करते हैं तो हमें शुद्ध सत्व प्राप्त होगा। नाचे जेओ नामे गुण वो सब फल पाई रे तुच्छ फल प्रयास छेड़े रे बिनु बोले जाए लोगे ना मेरा। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नाचे जेओ ना मेरे गुणे और फल, तो तुच्छ फले प्रयास छेड़े रे, तो तुच्छ चीजों का प्रयास कुछ चीजों में भी करना पड़ता है, तो क्यों ना आध्यात्मिक चीजों में किया जाए। तो इसको हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, ये हमने आज चर्चा किया कि बद्ध जीव जो है नीचे माया बद्ध होए आमय अमार बोले रे, और इस वजह से व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि तो जिसको बहुत बोलता होता है वही एक दिन धोखा दे देता है। तो आशा वसे घुरे घुरे और कथा नाई रे हरी बोले देव भाई आशार मुखे चाई रे भोग मोक्ष वांछा छाड़ी मन हरी नाम गाई रे। ठीक, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के में कोई प्रश्न है पूछ, एनी क्वेश्चंस और कमेंट। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।